जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। अरे तू पैर दबा रही है या सहला रही है, जरा जोर लगा मीनाक्षी। मीनाक्षी ऐसा सोच के घर में सब भूखे हैं और तू रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रही है, ठीक है? अब दबा। अरे इतने जोर से नहीं। तू तेरा फेस पैक तैयार करना लीला, क्या इसे आड़े तेरे आइडिया देने बैठ गई। वाह, इसके हाथ पैर सिर्फ काम के समय ही धीमे चलते हैं, नाचते टाइम तो। वो तो बाने कसम दी थी, वरना। हाँ तो चल, मैं भी कसम देती हूँ। जोर से दबा, जल्दी जल्दी दबा। वैसे मीनाक्षी तूने इतना अच्छा डांस किया था, वो किसना है। लेकिन नीला भाभी तो पहले ही राउंड में आउट हो गई थी ना। वो तो चारूबाला बेन की वजह से। लेकिन बाज जीत गई। वो भी चारूबाला बेन की वजह से? नहीं, मैंने सच में अच्छा डांस किया था। और नहीं तो क्या, सच में बा आपने सबसे अच्छा डांस किया था। मेरे हिसाब से तो वो 51,000 का इनाम है ना, आपको ही रखना चाहिए। क्या बात करती है, मैं ही इनाम रखूं और मैं ही जीतूं? खुद को इनाम देना अच्छा लगता है क्या? वैसे बा वो चेक है किसके पास? मैंने कहा ना, कोई चेक वेक नहीं है मेरे पास। क्यों झूठ बोल रहे हैं प्रवीण भाई? क्या कागज के चंद टुकड़ों के लिए मैं अपने भाइयों से झूठ बोलूंगा? नहीं है चेक मेरे पास। किसे उल्लू बना रहे हैं आप? लास्ट टाइम जब सभी हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे तो गट्टू ने वो चेक आपके हाथ में ही देखा था, और गट्टू झूठ नहीं बोलता, ये आप जानते हैं ना? देखा होगा, लेकिन उसके बाद चेक मैंने हेमल को दे दिया था। अरे मुझे कब दिया आपने? क्यों, जब मैंने तुझे हैप्पी न्यू ईयर विश किया था तब तूने मुझसे हैप्पी न्यू ईयर की गिफ्ट मांगी थी या नहीं? अरे उसी वक्त थमा दिया था चेक मैंने हेमल को। सुबह तलाशी ले उसकी। ले ले तलाशी ले इसकी। तलाशी लीजिए मेरी, लेकिन मेरे पास नहीं मिला ना तो आपकी तलाशी होगी। मंजूर है? हाँ मंजूर है, मंजूर है। प्रवीण भाई को भी मंजूर है। हेमल छोड़ छोड़ सुबोध, क्या कर रहे हैं? पैसे भाई से बढ़कर हैं क्या? अरे सिर्फ 51,000 तो गए। आप मेरी तलाशी लीजिए, फिर आपकी तलाशी होगी। फिर कहेगा कि भाई जैसा व्यवहार नहीं करता, पगला कहीं का। चल सुबोध वहां जाके ढूंढते हैं। नहीं नहीं एक मिनट प्रवीण भाई, अरे तलाशी अभी ले लेता हूँ ना, फिर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। नहीं है ना यहाँ पे? ये देखो। कहाँ जा रहे थे? अरे यही तो हूँ। आइए यहाँ पे आइए ना, लीजिए तलाशी लीजिए। ए बड़े भाई की तलाशी लोगे? छोटे बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं क्या? यही सिखाया था मैंने तुम लोगों को? आपने जो सिखाया था ना वो आप ही भूल रहे हैं प्रवीण भाई। चलिए तलाशी तो देनी पड़ेगी। सर्च वारंट लेके आइए पहले। सर्च वारंट? मुझे अकेला समझकर जबरदस्ती कर रहे हैं मुझ पर। क्या भाभी 51,000 का चेक इन्हीं के पास है, मेरी तलाशी ले ली, अब अपनी बारी आई तो यहाँ से भाग रहे थे। इसी के पास होगा, लो लो तलाशी ले। वो प्रवीण, अरे क्या को, एक मिनट देता हूँ ना चेक। सुधरो नहीं है तुम लोग। क्या होना सर, इतने सारे पैसे बा के पास आते कहाँ से हैं? नेपाल से एक चपटे नाक वाला जैन बा के पैसे लाता है। चल चल, मेरी मम्मी कहती है कि सभी पैसे लक्ष्मी माँ की घर से आते हैं। पैसे कहीं से भी आते हो, हमें क्या, हमें तो 51,000 को आपस में बांटने ही है ना। हम वजन के हिसाब से पैसे बांटेंगे, जिसका वजन ज्यादा होगा उसको ज्यादा पैसे और जिसका वजन कम होगा उसको कम पैसे। ए मेहुल वो चालाक मत बना, सबको पैसे बराबर से बांटेंगे। बराबर मिलेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे? चलो गिनते हैं कितने लोग हैं और किसको कितना मिलता है। चलो चलो गिनना शुरू करो, मुझे देखना है फर्स्ट कौन आएगा। चारूबाला फाई को क्यों, उन्होंने कहा पार्ट लिया था? हाँ वो तो चलती। हाँ हेमल को भी नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने भी डांस नहीं किया था ना, उसने सिर्फ ऐसे ऐसे बोला था। पकड़ 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 पकड़।
पैसे मिलेंगे। चलो कैलकुलेट करो कितने लोग थे। 20 लोग होते हैं बेबी फेयर। क्या 20? 21 लोग हैं। बराबर से कैलकुलेट करो। बेबी फेयर मैंने हिसाब लगा लिया, 2,428 रुपए हिस्से में आते हैं। वेरी गुड। मुझे कब मिलेंगे मेरे पैसे? मुझे ना कुछ लेना है। चप्पल तो तूने ले ली है गट्टू, अब तुझे क्या लेना है? वो सीक्रेट है, वो मैं किसी को नहीं बताऊं। प्रवीण भाई को पकड़, पकड़ो। अच्छा अच्छा, ए लिया, छोड़ छोड़ ना गट्टू, छोड़ो। अच्छा अच्छा, अबे छोड़ क्यों दिया सुबोध भाई? छोड़ सुबोध, पहले चेक दीजिए। नहीं है चेक मेरे पास सुबोध। अरे ऐसे नहीं मारेंगे, गुदगुदी कीजिए। गुदगुदी नहीं, गुदगुदी नहीं, दे रहा हूँ चेक। सुबोध भाई अभी जल्दी बांटो ना, मुझे मेरे हिस्से के पैसे दो ना। नहीं गट्टू, हम एक आइडिया करते हैं। हम इस पैसे को संभाल के रखते हैं और डिंपल की शादी में यूज करेंगे। क्या बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। अच्छा अच्छा, और बाकी सबको मैं मना लूंगा। लेकिन आपको मंजूर ना हो तो भी बदलने वाला नहीं है हमारा आइडिया। आइडिया अच्छा है लीला, वैसे ये आइडिया दिया है सुबोध ने, मगर है काफी अच्छा। इससे हमारी डिंपल की शादी में सपोर्ट। छोड़िए ना, इतना अच्छा संडे का टाइम मिला है और आप क्या पैसों की बातें लेकर बैठ गए? तो क्या लेके बैठूं लीला? रोमांटिक बातें करिए ना, कल रात कितना मजा आया था, आपने इतने अच्छे से गाया था ना, हवा के साथ साथ घटा के संग संग साथ चल। यही गाना गा के तो हार गए हम। चारू बाला बेन की वजह से हारे हम लोग, लेकिन मजा बहुत आया था। हाँ मेरा मन करे तो मैं तो रोज ही हारू। अच्छा मतलब मैं पूरी जिंदगी ओ साथी चल ऐसे गाता रहूं? हाँ गाना है। गाना, चलो चलो खाना खाना है। हेलो जस्सू भाई जी। नहीं नहीं, उसी एरिया में सारी दुकानें हैं, गोल्ड की डायमंड की। परेशानी हो रही है? नहीं आप बोले तो मैं आ जाऊं वहां आपकी हेल्प करने के लिए। ओ साथी चल। चलो लीला डांस करते हैं। जस्सू भाई मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ला 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 ला। मुझे खाना सर्व कर तू, किचन में मेरे साथ चल तू। हां ला 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 ला। अरे वाह मोटा भाई, खाना तैयार है, जाइए मीनाक्षी आपको परोस देगी। अरे लेकिन प्रवीणा तो। लीला भाभी, मोटा भाई जाइए ना। क्या यहाँ कुसुर पुसुर करने आई है लीला के साथ? जस्सू भाई की बातें करने नहीं आई हूँ। मीनाक्षी। क्या प्रवीणा तुझे? लीला भाभी मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। क्या बोलना? यहाँ नहीं, दीवारों के दुकान होते हैं, सब्जी मंडी चलते हैं, वहाँ सब्जी खरीदते खरीदते बातें करेंगे। क्या बोल रही है तू प्रवीणा? चलिए ना। 51,000 माने यूं दे दिए जैसे धनी हमको फ्री में धनिया देती है। अरे फ्री में क्यों दूंगी मैं? चुप कर, सबको पेंडेंट बांटे, यहाँ तक के बेबी बिन और डिंपल को भी दिया और एक एक्स्ट्रा भी है। प्रवीण सच कहता था भाभी, सोचिए माँ के पास कितने रुपए होंगे। ओ तो ये बात थी तेरे मन में, कितने भी हो हमें क्या लेना देना। अरे मैं कहाँ लेने देने की बात कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब भी हम डिंपल की शादी की बात करते हैं तब माँ क्या कहती है, डोंट वरी हो जाएगा। कहाँ से होगा? हाँ कहाँ से आएगी वो जादू की छड़ी जिसे घुमाते ही पैसे आते हैं? जरूर कोई राज है, वो सारा राज उस लाल किताब में है। याद है उस दिन मोटा भाई आपके लिए गजरा और साड़ी लाए थे और आप मीनाक्षी बनी हुई थी? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं प्रवीणा, मैं बहुत खुश हूँ। ये देख अरविंद लाए हैं। जस्सू भाई मेरे लिए साड़ी लाए थे ना, अरविंद चिड़ के उससे भी महंगी साड़ी लेकर आए हैं, देख। अरे वाह साड़ी तो बहुत अच्छी है, और इतने सालों में पहली बार मेरे लिए ये लाए हैं, देख गजरा। वैसे लीला भाभी जस्सू भाई का आना आपके लिए घाटे का सौदा नहीं रहा, रूम भले ही गया लेकिन रोमांस आ गया। और प्रवीणा ये देख
बा ने सबसे पहले मुझे दिया ये पेंडेंट, बड़ी बहू को। हाँ, सो तो है, बा ने सबको पेंडेंट दिए, आपको, मुझे, मीनाक्षी को, यहाँ तक कि बेबी बेन और डिंपल को भी दिया। फिर भी बा के पास और एक पेंडेंट है एक्स्ट्रा। तो रहने दे, उसमें तुझे क्या परेशानी? परेशानी नहीं, मैं सिर्फ सोच रही हूँ आखिर वो एक्स्ट्रा पेंडेंट है किसके लिए। प्रवीणा रहने दे। हाँ नहीं लीला भाभी, ये बात तो मैं जानकर ही रहूंगी। और जब उसी रात में बाप को चाय या दूध देने गई थी तो वो हर्षित भाई के कमरे में बैठी थी। अच्छा, किसके लिए? किसी के लिए नहीं। नहीं देने के लिए भी आप पेंडेंट खरीदती हैं बा? ओके। ये कमरे में बहुत धूल जम गई है। हाँ बा, आप बाहर जाकर चाय पीजिए, तब तक मैं ये कमरे की सफाई कर देती हूँ। प्रवीणा, नहीं प्रवीणा, ये डायरी कभी मत खोलना, चाहे मैं हाजिर हूं या नहीं। ऐसा क्या है इस डायरी में? खजाने का नक्शा? इसमें जो भी है उसे राज रहने दे। माना कि हर ताले की चाबी होती है, मगर कुछ ताले ऐसे होते हैं जो बंद रहे इसी में सबकी भलाई है। सोचिए कितने राज छुपे हुए होंगे उस लाल किताब में। वो तो है, उस किताब में तो और भी बहुत से राज होंगे। वहाँ हर छोटी बड़ी बात उस किताब में जरूर लिखती है। रहने दे, हमें क्या लेना देना। लेकिन भाभी, मेरा बहुत मन करता है कि मैं उस लाल किताब को पढ़ूं। आप मेरा साथ देंगी? ना बाबा ना, उस किताब को छूने जाओ तो बात जिन की तरह निकलेगी। लीलो भाभी, आप एक बात सच सच बताइए, धनी की कसम खाके। अरे मेरी कसम क्यों? अरे क्या धनी, लीला भाभी इतने सालों से तेरे पास सब्जी ले रही है, वो क्या तेरी झूठी कसम खाएंगी? ए भाभी सच बताइए, क्या आपको जानने की बेचैनी नहीं होती कि उस लाल किताब में क्या लिखा है? प्रवीणा सब्जी ले ली। हाँ ये लो, चलो प्रवीणा। अरे धनी के पैसे तो देती जा। अरे जा जा। धनी के पैसे चाहिए से। प्रवीणा मुझे तुझसे ज्यादा उत्सुकता हो रही है, बचपन से मुझे सस्पेंस नॉवेल्स पढ़ने का बड़ा शौक था, पता नहीं उस किताब में क्या क्या लिखा होगा, है ना? वाह लीला भाभी, उस धनी के सामने तो अगर वो भी बाकी जासूस निकली तो नरसी काका की तरह, बनती तो हमारी राजदार है लेकिन अगर भूल दिया तो। वाह लीला भाभी मान गए आपको, क्या कहती है रिस्क ले? हाँ लेकिन सुन, दो पेजेस पढ़ के भाग जाएंगे हम वहाँ से। ओके, मगर वो काम आज ही होगा, बा जब सो जाएंगी। ओके चल। आई कताजीबा। अरे मीनाक्षी बस कर, पैर और भी जोर से दुखता है जब ये गाना सुनती हूँ तब। सॉरी बा। हा वाह भाई वाह,
बहुत मजा आ रहा है। तेरे हाथों में तो जादू है डिंपल। आपको कैसे पता चला दादी माँ? मुझे सबका पता चलता है। वैसे 31st की पार्टी में क्या जम के नाचे आप दादी माँ, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं नाच सकती। खैर तेरी शादी में तो लड़के वाले नाचेंगे, पर तेरे बेटे की शादी में मैं जम कर नाचूंगी बारात में। मतलब आप उतने साल जिएंगी? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बा, मैं तो चाहती हूँ कि भगवान करे आपकी उम्र हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबी हो। लेकिन सोचने वाली बात है कि डिंपल का बेटा जब शादी लायक होगा तब आपकी उम्र तकरीबन 90 साल की हो जाएगी। क्यों बा, भगवान करे आप 100 साल से भी ज्यादा जिए। हैं? हाँ बा, को मेरी उम्र भी लग जाए। बा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंजॉय। आपका मतलब है मैं मर जाऊँ ना? अरे नहीं नहीं मीनाक्षी, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था। और कछुआ तो 400 साल जीता है। ये ले मीनाक्षी, सब्जी ले और किचन में जा। तुम लोग भी जाओ, मुझे आराम करना है। डिंपल बच्चों से कहना शोर ना करे। बोला नहीं और चिल्लम चिल्ली शुरू। नहीं बा, मेरे भाई का फ्रैक्चर अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो अब वो जनेऊ में नहीं आ पाएगा। गट्टू भाई मानव को पकड़ेंगे, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं बाहर वो लोग। मीनाक्षी, इस रूम में रो लिया तो जा, अब किचन में जाके रो। गो। दादी माँ आप सो जाइए, मैं इन लोगों को लेके बाहर जाती हूँ। प्रवीणा काकी चलिए। चलो चलो। जोग माया तो सो गई। चलिए 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 लीला भाभी, जल्दी चलिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ ओहो लीला भाभी, आप तो खामखा डर से मरी जा रही हैं। चलिए, कुछ नहीं होगा। बच्चे सब गार्डन में खेलने गए और बाकी सब सो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, पहले सन्नाटा और फिर खर्राटा। सुनाई दिया? वेरी गुड लीला भाभी, यही मौका है चौका मारने का, समझी? हाँ, लेकिन हम क्या कहेंगे सबको? अरे कहना क्या है, कोई पूछेगा तो कह देंगे कि साफ सफाई करने गए थे, उसमें कौन सी बड़ी। क्या है? हाँ? क्या है यहाँ? बाकी सब बच्चे गार्डन में खेलने गए तो तू क्यों नहीं गई? तुझे नहीं जाना क्या? मुझे जहाँ जाना है वो मुझे पता है, लेकिन आपको कहाँ जाना है? जा के तेरा काम कर जा। मैं तो अपना काम कर रही थी, लेकिन आप अपना काम छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? देखा लीला भाभी, सेम प्रवीण। सेम प्रवीणा, कैंची की तरह जबान तो तेरी चलती है, आंखें देख इसकी। अभी तक जवाब नहीं दिया। तुझे जवाब देने के लिए बंदी नहीं हूँ मैं, सास नहीं है तू हमारी। चलो जाओ, बाकी बच्चों के साथ जाकर डांस की प्रैक्टिस करो। कम ऑन गो चैताली, गो। चलिए लीला बाबी, हम लोग साफ सफाई करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, दादी माँ को बताना पड़ेगा। रिश्ता।